बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, और आज किस पर देखने वाले हैं, आपको ये पता होगा कि जो हमारा आपकी बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए फिजिक्स का थर्ड पेपर रह गया था, बाकी फर्स्ट सेकेंड ईयर वालों के लिए और थर्ड ईयर वालों के लिए मैं पहले से अपलोड कर रखा हूँ वीडियो। आप वो वीडियो को देख लेना, वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। यदि प्ले लिस्ट में आपको देखने को प्रॉब्लम हो रही है, वैसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, हाई स्कूल इंटर बी ए बी एस सी बी कॉम, ठीक है, प्ले लिस्ट लिंक, इस तरीके से आप उस पर लिंक करोगे तो प्ले लिस्ट पर पहुंच जाओगे। यदि आप उस पर नहीं जाना चाहते तो एक हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है paperhacker.in, paperhacker.in, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप गूगल पर सर्च करेंगे paperhacker.in को, तो वहां से जाकर आप जिस क्लास में है उस क्लास वाले बटन पर टच करना है, और आपको नोट्स चाहिए तो वहां से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां हमने प्ले लिस्ट का लिंक भी दे रखा है, और वहां पर जो भी सब्जेक्ट के हैं उस पर प्ले लिस्ट का लिंक टच करना है और अपनी वीडियो को देख लेना है कि जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई तैयार करना है। मैंने पहले कुछ क्वेश्चन दिए थे 4 से 5 महीने पहले, और यदि वो वीडियो देखने को मिलती है तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने 18 से 19 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए थे, और वहां से 18 से 19 क्वेश्चन को याद करके 85% प्लस ला सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बताएंगे जो आपको 13 से 14 क्वेश्चन होंगे, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 80% ला सकते हो, और वहीं आपको एग्जाम से पहले मैं आपको केवल 10 क्वेश्चन दूंगा जिसे आप याद करके 70% ला सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल से तैयारी कर रहे हैं। चलो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलो स्टार्टिंग करते हैं आज की फिजिक्स के थर्ड पेपर के बारे में। बीएससी थर्ड ईयर का फिजिक्स का थर्ड पेपर है, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्योंकि आपको 80% प्लस लाना है, क्योंकि आप लाने वाले हैं 13 से 14 क्वेश्चन को याद करके, ठीक है, और एग्जाम से पहले 10 क्वेश्चन दूंगा, इन क्वेश्चनों को याद करके 70% प्लस लेके आएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं, क्या आपका टारगेट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप याद करेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सभी लोग। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो है जेंडर डायोड होता क्या है, जेंडर डायोड के अनुप्रयोग क्या है। आपसे पूछेगा कि जेंडर डायोड क्या है, उसके अनुप्रयोग के बारे में एक्सप्लेन करिए, ये क्वेश्चन बनेगा। वही आपसे बात की जाए तो ये देखिए यहां बना है एलईडी क्या है, एलईडी के उपकरण के बारे में। तो एलईडी देख लो, सबसे पहले एलईडी को हम प्रकाशीय उत्सर्जन डायोड कहते हैं हिंदी में। ये आपसे पूछ लेगा कि प्रकाशीय उत्सर्जन डायोड क्या होता है, ठीक है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, एलईडी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे किया जाता है, वो आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है एक आपसे देखेंगे अर्धचालक। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निज अर्धचालक, एक होता है वह अर्धचालक। देखो अर्धचालक के दो टाइप होते हैं, नंबर एक, एक होता है निज अर्धचालक जिसे हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, एक होता है बहा अर्धचालक जिसे हम अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ये दो टाइप होते हैं, नंबर एक नंबर दो। ये आप अर्धचालक जब पढ़ेंगे तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहा चालक निज चालक दोनों पढ़ पाएंगे। संधि डायोड को पढ़ लेना, जिसे हम जक्सन डायोड कहते हैं इंग्लिश में, जक्सन डायोड इज मोस्ट इंपोर्टेंट, सही है, ये पढ़ोगे आप। और पीएनपी संधि डायोड क्या होता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, ये आप याद करेंगे। टनल डायोड क्या होता है, टनल डायोड को पढ़ लेना, फोटो डायोड को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हैं आप। चलो और क्या पढ़ना है आपको, देखो यहाँ है ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर आप देखो कई प्रकार के ट्रांजिस्टर देखने को मिलते हैं, जैसे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, वही होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, समझ रहे हैं ना। तो इन ट्रांजिस्टर को देखेंगे, और यहाँ है ट्रांजिस्टर परिपथ का विन्यास, इसको आप पढ़ के जाएंगे। वही एक आपको एक पैरामीटर देखने को मिलता है, एक मिलता है एच पैरामीटर, जैसे हम हाइब्रिड पैरामीटर बोलते हैं एच पैरामीटर को, वही बाई पैरामीटर होता है, बाई पैरामीटर को भी आप याद करेंगे। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या आप याद करेंगे, उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को याद कर लेना, बाकी जो छुड़वा रहा हूं उस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ ट्रांजिस्टर द्वारा परिवर्तन कैसे होता है, तो आप कहेंगे जो एम्पलीफिकेशन होता है वाई ट्रांजिस्टर, आप इसको याद करेंगे। और यहाँ बोला गया है ट्रांजिस्टर का देखो निर्गत और जो निवेशी प्रतिरोध होता है उसको पढ़ने की जरूरत तो नहीं होगी, लेकिन ट्रांसफर युग्मित, यहाँ है देखो ट्रांसफार्म युग्मित ट्रांसफर, ठीक है, परिवर्तन का परिपथ आपको आरेख बनाना है, मतलब परिपथ आपको बनाना होगा, डायग्राम बनाना होगा, ठीक है, इतना पढ़ लेना। वही आपको जेफ्ट पढ़ना है, जेफ्ट क्या होता है, ये कितने टाइप की होती है, क्रियाविधि को, माउसपैड तो आप जानते होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ये पढ़ेंगे, बाकी जो बॉक्स में बंद कर रहा हूं वही पढ़ेंगे, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आता है एस सी आर, जिसे हम कहते हैं सिलिकॉन कंट्रोल, ठीक है, रेक्टिफायर,
इनको आप पढ़ेंगे। और वही बात की जाए धातु में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रक्रिया, छोड़ दीजिए इसको, बाकी जो क्वेश्चन बता रहा हूं वही आप पढ़ लो, काम हो जाएगा, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। वैसे आपकी मर्जी है, आपके दिल में क्या है, आप किस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं वो सब लोग आप जानते हो। उसके बाद में क्या है, देखो ये क्वेश्चन आपको याद करना है, क्योंकि आपको यदि अच्छे नंबर से पास होना है तो आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना होगा, पेपर हैकर को, क्योंकि हम आपको वो चीज प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपके पेपर में आ रहा है और आपको वही तैयार करना होगा। तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करके रखिए। उसके बाद में शॉर्ट की डायोड क्या होते हैं आप इसको पढ़िए, धातु अर्धचालक संधि क्या होती है आप इसको पढ़ेंगे, ट्रांसफर स्विच के लाभ क्या होते हैं आप इसको पढ़ेंगे, एम्पलीफायर होता क्या है, पहली बात तो एम्पलीफायर क्या होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में बहुत सारे एम्पलीफायर के प्रकार, मतलब कि प्रवर्धन के प्रकार, जैसे कि शक्ति प्रवर्धन किसे कहते हैं, ट्रांसफर और वोल्टेज प्रवर्धन क्या होता है, पावर हमें वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं, तो ये पढ़ेंगे। ये देख रहे हैं बंद ऊर्जा लब्धि क्या होती है, आप ये लब्धि पढ़ेंगे और देखो बॉन्ड और चौड़ाई को याद करेंगे, ठीक है, ये आप यहाँ देखने वाले हैं, क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में क्या पढ़ के जाने वाले हो, उसके बाद आईसी वोल्टता नियंत्रण क्या होता है आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और ये है आपका बहुचरण प्रबंधन एम्पलीफायर जिसे हम स्वपनी प्रबंधन बोलते हैं, आप इसको पढ़ के जाएंगे। बस लास्ट क्वेश्चन था, और एक ये क्वेश्चन देख लेना, फीडबैक का सिद्धांत, फीडबैक का सिद्धांत शॉर्ट में पूछ लेता है, तो आप ये क्वेश्चन याद करके 2022 में 80% प्लस लाएंगे, मतलब कि आप 2022 के टॉपर बनने वाले, आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है, मैं आपसे बोलता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा है ही नहीं यूनिवर्सिटी के अंदर, यदि आप अपने अपने आप पर कॉन्फिडेंट रखते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है, आप अपने आप पर विश्वास रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।